कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है। कोविड सेंटर में जाने से पहले आखिरी बार अपने पति का हाथ थामे पत्नी हो, मौत के मुंह में जाकर वापस लौटे किसी शख्स को महीनों बाद मिले परिजन हो, तड़पते मरीज को भरोसा दिलाती नर्सेज हों, अपनी आंखों के सामने हारती जिंदगी को देखते डॉक्टर हों, या फिर रोज कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार करते फ्यूनरल वर्कर्स, ऐसे कितने ही लम्हों की तस्वीरें हमारे बीच तैर रही हैं। लेकिन शायद ही कभी हमारा ध्यान इन तस्वीरों को खींचने वालों पर जाता है। एसोसिएट प्रेस यानी एपी ने अपने 13 देशों के 15 फोटोग्राफर से कहा कि वो कोरोना काल के दौरान कोई ऐसी तस्वीर भेजें जिसने उनकी ज़िंदगी पर गहरा प्रभाव छोड़ा हो, और ये भी बताएं कि उसके पीछे की कहानी क्या है। आइए इन तस्वीरों को देखते हैं और जानते हैं कि उन्होंने फोटोग्राफर्स की ज़िंदगियों को कैसे प्रभावित किया। ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं ये 19 दिसंबर 2020 की है, उत्तरी ईरान का घीम शहर। फोटोग्राफर इब्राहिम नौरोजी रोज की तरह तस्वीर लेने निकले थे, तभी उनकी आंखों के सामने एक ऐसा भयावह मंजर आया जिसकी तस्वीर लेने के लिए कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर उन्होंने 18 साल के मोहम्मद हुसैन खोश नज़र, 31 साल के हसन कबीर और 53 साल के अली रहीमी को देखा। आखिर वे तीनों कैसे कोरोना से हुई मौत वाली लाश को साफ कर रहे हैं, दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। इब्राहिम कहते हैं, मैं बस एक लाश देखकर थर्रा गया था। ये वर्कर्स 500 लाशों को रोज़ दफनाते हैं, इसके बाद भी अगले दिन काम पर वैसे ही आते हैं। उसी जज्बे को ध्यान में रखकर मैं खुद को बचा सका, वरना वो लम्हा पूरी तरह से तोड़ देने वाला था। उनकी आंखों के सामने कोरोना से दम तोड़ देने वाले 59 वर्षीय शख्स को दफनाने से पहले नहलाया जा रहा था। ये तस्वीर देखिए, इससे अंदाज़ा लग रहा है यह 18 अप्रैल 2020 की फ़ोटो है। रोम के जाने माने रोनी रोलर सर्कस शो होने वाला था, लेकिन तभी पहले इटली में पूर्ण लॉकडाउन लग गया, लेकिन एक सर्कस कर्मी तैयार होकर आई और उसने शो किया। हालांकि उसे देखने के लिए कोई दर्शक नहीं था। इस लम्हे की फ़ोटो खींचने वाले एलेक्जेंड्रा टोरेंटिनो कहते हैं, बिना किसी म्यूज़िक और दर्शक के लगातार करतब दिखाना और उस सर्कस कर्मी के चेहरे के भाव को देखना अंदर तक झकझोर देने वाला था। एपी फोटोग्राफर अलेक्जेंडर जमेलियानीचेंको आज भी मॉस्को के उस रूसी फादर वसीली गेलवन के संपर्क में हैं, जो लगातार बीमार लोगों के घरों में जाकर प्रार्थना करते हैं और टूटते भरोसे को जगाते हैं। अलेक्जेंडर कहते हैं, 1 जून 2020 की इस तस्वीर ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। इसमें दो चीज़ें हैं, बीमार महिला के प्रति फादर की हमदर्दी और फादर के मन में डर होने के बाद भी खुद लोगों के लिए खुद को खतरे में डालना। इस तस्वीर के चलते अलेक्जेंडर के भीतर एक बदलाव आया और उनके मन में वायरस का डर कम हुआ। ये फोटो अर्जेंटीना की फोटोग्राफर नताशा पिजारेन्को जब कभी खुद की खींची हुई तस्वीर को देखती हैं खिल उठती हैं। बताती हैं, 13 अगस्त 2020 को 84 साल की ब्लांका ओर्टिस को छुट्टी मिल रही थी, उन्होंने कोरोना को हरा दिया था। नताशा ने जब फोटो लेने के लिए कैमरा निकाला तो ब्लांका ने ठहाका लगाते हुए दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भींची और आसमान की ओर झटक दी। इस लम्हे ने फोटो खींचती नताशा की आंखें नम कर दी। वो बताती है, मेरी ज़िंदगी का बेहद अनोखा और खुशनुमा लम्हा था। कई बार इस तस्वीर से उन्हें आत्मबल भी मिलता है। ये तस्वीर ब्राज़ील के फोटोग्राफर फिलिप डेना महामारी के पहले स्पेन में एक असाइनमेंट पर गए हुए थे। उन्हें अचानक ब्राज़ील बुला लिया गया। उन्हें फ्यूनरल वर्कर्स यानी लाश दफनाने वाले कर्मचारियों की तस्वीरें खींचने के लिए कहा गया। जब उन्होंने काम शुरू किया तो देखा कि लाशों को सड़क के रास्ते ले जाने की बजाय शहर से दूर एक नदी से ले जाया जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आया, उन्होंने किराए पर एक नाव ली और लाश वाली नावों का पीछा करने लगे। बाद में उन्हें पता चला कि नाव से इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि आम रास्ते से ले जाने में वायरस के फैलने का डर था, इसलिए लाशों को पानी के रास्ते ले जाया जा रहा था। ये देखने के बाद फिलिप के अंदर एक ऐसा डर बैठ गया जिससे आज भी वो नहीं उभर पाए हैं। एरियाना क्यूबिलोस जब कभी ये तस्वीर देखते हैं उनको अजीब सा डर लगता है। उन्हें लगता है कि कोरोना ने उनसे उनकी आज़ादी छीन ली। ये तस्वीर 8 अगस्त 2020 की है। इसमें वेनेजुएला पुलिस कर्फ्यू का पालन न कर पाने वाले कुछ लोगों को वैन में भरकर ले जा रही है। दिल्ली के फोटोग्राफर मनीष स्वरूप जब कभी ये फ़ोटो अपनी देखते हैं तब वो अजीब से अकेलेपन और तनाव में डूब जाते हैं। जो उन्होंने जब ये तस्वीर खींची थी तब प्रवासी मजदूरों के साथ आई एक बच्ची को स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था। इस बच्ची के आसपास कोई नहीं था, वो उदासीन नज़रों से खिड़की के बाहर झांक रही थी। कैलिफोर्निया के सेंट ज्यूड मेडिकल सेंटर की इस तस्वीर को जॉय सी होंग ने खींचा था। जॉय तब अपने पारिवारिक काम से सेंटर गए हुए थे, तभी उन्होंने एक पत्नी को आखिरी बार अपने पति को अलविदा कहते हुए देखा। तस्वीर तो उन्होंने खींच ली लेकिन यह तस्वीर हर बार उन्हें अंदर तक झकझोर देती। वह कहते हैं,
मेरे करियर में पहली दफा था जब मैंने किसी को मरते हुए देखा। पिछले साल न्यूयॉर्क के सभी अस्पताल और शमशान पर फोटो जर्नलिस्ट प्रतिबंधित थे, लेकिन बाद में कुछ अस्पतालों ने फोटोग्राफर्स को अनुमति दी। उन्हें लगा जब लोग अपनी आंखों से सच्चाई देखेंगे तो शायद वो इस बीमारी को गंभीरता से लेंगे। तब जॉन मिनचेलो को एक अस्पताल में जाने का मौका लगा। उनकी आंखों के सामने कोरोना मरीज को कार्डियक अरेस्ट आया। अस्पताल का स्टाफ एक तरफ उसका इलाज कर रहा था तो दूसरी तरफ उसका विश्वास न टूटे, इसलिए अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। फोटोग्राफर जॉन कहते हैं कुछ पल के लिए उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो तय नहीं कर पा रहे थे कि फ़ोटो खींचे या न खींचे। ये तस्वीर चीन के वुहान शहर की है। 76 दिन बाद लॉकडाउन खुलने के बाद जब फोटोग्राफर एनजी हान गुआन ने एक बच्चे को मास्क लगाकर सोते देखा तो उनके मन में गहरे तक नकारात्मकता भर गई। उन्हें बीते 2.5 महीनों की वो सारी बातें याद आ गई जब पूरा शहर मौत के मुंह में चला गया था। बाद में नदी किनारे घूमते इक्का दुक्का लोगों में उम्मीद नजर आई थी। 22 जून 2020 स्पेन के बार्सिलोना के एक अस्पताल में 81 साल की अगस्टिना कैनामेरो ने अपने 84 साल के पति पास्कल पेरेज से को छोड़ने से पहले भागकर गले से लगा लिया और किस करने लगी। उनके बीच एक प्लास्टिक की चादर थी। इस पल को कैमरे में कैद करने वाली एमिलो मोरेंटी कहती हैं, फोटो खींचते वक्त मैं खुद को संभाल नहीं पाई, आंखों से आंसू गिर रहे थे। 28 मार्च 2020 ईस्ट जोहान्सबर्ग की अलेक्जेंड्रा टाउनशिप के बॉयज हॉस्टल के सामने तैनात बंदूकधारी पुलिस फोर्स और दरख्तों से झांकते लोग। फोटोग्राफर जेरोम देरी बताते हैं इस तस्वीर को देखते ही उन्हें 1994 के पहले का साउथ अफ्रीका याद आ जाता है। जब वो फोटो खींच रहे थे तब बॉयज हॉस्टल से लोग चिल्ला रहे थे, अगर हम बाहर नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। पेरू का लीमा शहर, यहाँ लंबा रेगिस्तान है। यहाँ करीब 1 करोड़ लोग गरीबी स्तर से नीचे का जीवन जीते हैं। कई बार उनके पास पीने का पानी भी नहीं होता। ऐसी जगह पर जाकर काम करने वाले हेल्थ केयर स्टाफ के लिए कितना कठिन होता है किसी कोरोना मरीज को संभालें, और अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसे दफनाएं भी। फोटोग्राफर रोड्रिगो एविडी कहते हैं, मैं कभी इस तस्वीर को भुला नहीं सकता। फ्यूनरल स्टाफ उस कठिन जगह में कैसे काम कर रहा था उसे देखकर पीड़ा और अपने काम के प्रति मुस्तैदी का भाव दोनों आता है। ये तस्वीर इसराइल के फोटोग्राफर ओडेद बेलेंटिनो 21 सितंबर 2020 को खींची थी। इसमें होलोकॉस्ट सर्वाइवर यानी जब जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर इसराइल के लोगों को बंदी बनाकर मार रहा था, तब उसमें बच निकलने वाले यहोशुआ डेटसिनिगर अपने हाथ पर छपे बंदी नंबर वाले टैटू पर ताबीज़ बांधते दिख रहे हैं। वे सुबह की प्रार्थना के लिए यहूदियों से उपासना गृह सिनेगॉग जा रहे हैं, जबकि सरकार ने इसे केवल 20 लोगों के लिए खोला था। ओडेद कहते हैं, यहोशुआ को देखकर मुझे लगा वह पिछली जंग भी जीत गए, अब एक बार फिर वो दूसरी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। ये आखिरी तस्वीर 1 अप्रैल 2020 की है। ये भयावह जगह ब्राज़ील के साओ पाउलो की है। इसे आंद्रे पेनर ने खींची है। जब पहली बार सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल होना शुरू हुई तो प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो ने इसे फेक न्यूज़ कह दिया था। दरअसल ब्राज़ील सरकार लगातार मौत के सही आंकड़ों को बताने से बच रही थी। उसी दरमियान आंद्रे ने तस्वीर अपने घर से ड्रोन उड़ाकर खींची। वो डरे हुए थे अगर वो बाहर गए तो वायरस घर ले आएंगे, लेकिन ये तस्वीर देखने के बाद उनके मन में अजीब सा भय बस गया। तो ये थी कुछ खास लम्हे तस्वीरों में कैद जिन्हें आप देख पा रहे हैं, इतनी भयावह जो हकीकत में डराते हैं। कोरोना से डरना ज़रूरी है और सावधानी ही है जो हमें इससे सुरक्षित रख सकती है। इसलिए सुरक्षित रहें, घर पर रहें और सभी कोविड नियमों का पालन जरूर करें।